बीजक में सदगुरु कबीर की एक साखी है बड़ी सरल सी। जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव। पानी पचावहु आपना, पानी मांग न पीव। यदि संसार में जीने की कला जानते हो, और उस जीव को भी जानते हो जो तुम्हारा अपना होना, तुम्हारा अपना अस्तित्व है, तो अब तक जितना पानी पी चुके हो सबको पचा डालो, और फिर दूसरों से पानी मांग करके अब पानी न पियो। चार बातें इस साखी में सदगुरु कबीर हमें बताते हैं। पहली बात है जीवन जीने की कला। दुनिया में अनेक प्रकार की कलाएं हैं, सबकी अपनी उपयोगिता है और सबकी अपनी आवश्यकता है। किंतु सभी कलाओं में जीवन जीने की कला सर्वोत्तम कला है, जितनी भी कलाएं हैं उनसे आप धनोपार्जन कर सकते हैं, उनसे आपको यश कीर्ति की प्राप्ति हो सकती है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। किंतु आपके मन का दुख नहीं मिटेगा, मन की पीड़ा नहीं मिटेगी, आप सुखद जीवन जी नहीं सकेंगे। जिस आचरण से, जिस व्यवहार से, जिस रहनी से, जिस कर्म से मन का दुख, मन की पीड़ा मिटे, वही कला सर्वोत्तम कला है, जीवन जीने की कला। जीवन तो हर आदमी जी रहा है, किंतु क्या जीवन को कलात्मक ढंग से जी रहा है? किसी भी आदमी से पूछो, परिचित हो अपरिचित हो, धनी गरीब, अनपढ़ विद्वान, कि क्या अपने जीवन को आप सही ढंग से जी रहे हो? जितना जीवन आपने जिया है क्या सही ढंग से जिया है? क्या जीवन जीने की शैली आपकी सुंदर है? तो प्रायः सभी लोगों का उत्तर होगा कि हाँ, कि मेरे जीवन जीने का ढंग, जीवन जीने की शैली सुंदर है,
और जो जीवन मैंने जिया वो सही ढंग से जिया, सही रीति से जिया। धन्यवाद है। लेकिन इसकी पहचान क्या है, कसौटी क्या है, किस आधार पर कह रहे हैं आप कि मेरे जीवन जीने का ढंग सुंदर है और अपने जीवन को मैंने सही ढंग से जिया है। कोई आधार होगा, कोई पहचान होगी। कहने का तो सभी लोग कह सकते हैं। और बड़ी बात तो यह है, जब दुनिया में सभी लोग अपने जीवन को सही ढंग से जी रहे हैं, उनकी जीवन शैली सुंदर है, तो इस संसार में निपटने समस्याएं कहां से आ गई? इतनी खुराफाते हैं, इतना अत्याचार है, इतनी मारामारी है, हाय हाय छीना झपटी है, आदमी को आदमी पर विश्वास नहीं है, आदमी आदमी से डर रहा है, आदमी आदमी से बच करके रहना चाहता है। सुंदर जीवन जीने से ये सब क्यों हो रहे हैं? यदि हम आप अपने जीवन को सही ढंग से जीते, सभी लोग अपने अपने जीवन सही ढंग से जिए, तो जो समस्याएं आज हमारे समाज में, देश दुनिया में दिखाई पड़ रहे हैं, वो तो दिखना ही नहीं चाहिए था। आकाश पताल से कोई राक्षस, कोई असुर, कोई दैत्य, कोई दानव आकर समस्याएं उत्पन्न नहीं किए हैं। कोई देवी देवता, कोई भगवान आकर भी समस्याएं पैदा नहीं किए हैं। जितनी समस्याएं हैं दुनिया में, सारी की सारी समस्याएं आदमियों की देन है। और पशु पक्षियों के पास समस्याएं नहीं हैं, उनके पास भी जो समस्याएं हैं तो वो भी आदमी की ही देन है। आदमी ही उन पशु पक्षियों को भी चैन से जीने नहीं दे रहा है। पशु पक्षियों को भी यदि दुनिया में किसी से भय है तो आदमी से ही भय है बस। और जीवन जीने सुंदर परिणाम, गड़बड़ी कहाँ हो रही है? और यदि जीवन को सही ढंग से जी रहे हैं, जीवन शैली सुंदर है, तो आपके मन में इतनी चिंता कहां से आ गई? इतनी शिकायतें क्यों हैं? इतना तनाव क्यों है? किस बात को लेकर के दुखी हैं आप? यदि मन में चिंता है, भय है, तनाव है, पीड़ा है, क्लेश है, कलह है, तो समझ लेना होगा कि मेरी जीवन शैली बिल्कुल ही गलत है। बहुत बड़ा मकान बना लिए, बड़ी दुकान चला रहे हैं, बड़ा व्यापार चला रहे हैं, बड़ी नौकरी कर रहे हैं, बड़े नेता बन गए हैं, बड़े साधु बाबा बन गए हैं, किसी मठ के महंत या गुरु बन गए हैं, समाज के प्रबंधक अगुवा बन गए हैं, खूब रुपये पैसे कमा लिए हैं, बाल बच्चों को खूब पढ़ा लिखा है, ये सब जीवन जीने की सही शैली नहीं है। ये तो ऐसा तो आदमी गलत तरीके से भी कर लेता है। और गलत तरीके से आदमी जितना जल्दी धन कमाता है, ईमानदारी से कहाँ कमाएगी? ईमानदारी से जीवन निर्वाह हो गया बस।
जिसने बहुत बड़ा मकान बना लिया, जिसके दरवाजे पर महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी हुई है कई, ये मत समझ लेना कि वो बड़ा सुखी आदमी होगा, उसके जीवन शैली बड़ी सुंदर होगी। ठीक इसके विपरीत हो सकता है। बचपना में समझ नहीं होती है, मासूमियत होती है, सरलता होती है, सहजता होती है, भीतर बाहर ईमानदारी होती है, किंतु समझ परिपक्व नहीं होती, अनुभव नहीं होता है। किंतु ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती गई, दुनिया को देखते गए, सीखते गए, कुछ ठोकरें लगती गई, अनुभव बढ़ता गया, त्यों तो समझ तो परिपक्व होना चाहिए, त्यों तो सही सीख तो मिलना चाहिए। सीख और समझ दोनों सही है तो फिर मन में दुख क्यों है? मन में दुख है किसी बात को लेकर तो समझना होगा हमारी सीख हमारी समझ दोनों में गड़बड़ी है। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास जीवन निर्वाह की चीजें नहीं के बराबर है, बड़ी कठिनाई से उनका जीवन गुजर हो रहा है, उनका दुखी होना सार्थक है। जीवन निर्वाह की चीजें ही पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है तो दुख होना तो स्वाभाविक है। कुछ ऐसे भी लोग हैं असहाय विपन्न विवश, जो दूसरे लोगों द्वारा सताए जा रहे हैं, उनका दुखी होना समझ में आता है, उनका दुखी होना सार्थक है। बेवजह सताए जा रहे हैं। कुछ ऐसे अभागे लोग हैं दुनिया में जो असहाय लोगों को बेवजह सताते हैं और सताने में उनको मजा आता है। ऐसे लोग आदमी की शक्ल में शैतान राक्षस कुछ भी कह सकते हो, उन्हें आदमी कहना आदमियत का अपमान करना है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, न बेवजह सताए जा रहे हैं, न तो जीवन निर्वाह में कठिनाई है, सुविधाएं पूरी मिली हुई है, सब कुछ है, इसके बाद भी मन में दुख है तो अपनी गलत जीवन शैली का परिणाम है। समझ की कमी है। जीवन जीने की कला, ज्यो ज्यो उम्र बढ़ती जाए, समझ बढ़ती जाए, बुद्धि परिपक्व होती चली जाए, अनुभव बढ़ता चला जाए, त्यों त्यों मन का दुख घटता चला जाए। चिंता फिक्र तनाव भय क्लेश राग द्वेष ईर्षा घृणा आदि घटते चले जाएं, स्वस्थता बढ़ती जाए, आत्मस्वस्थता बढ़ती चली जाए, शिकायत मिटे,
संतोष बढ़े। यही जीवन जीने की कला है। किस आचरण से, किस रहने से होगा, किस व्यवहार से होगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हर आदमी को मालूम है स्वार्थ अहंकार बुरी आदतें आड़े आ जाते हैं सब। यही जो दुख है मन में, हर समय अभाव की अनुभूति बनी रहती है, असंतोष चित्त को जलाता रहता है, उसी के लिए भजन की आवश्यकता होती है, ध्यान साधना की आवश्यकता होती है। भजन करने का अर्थ कहीं आरती वंदना कर लेना, कुछ पूजा पाठ कर लेना, कुछ कर्मकांड कर लेना, कुछ माला फेर लेना या कोई नाम जप लेना, इतना ही नहीं है। ये तो भजन की शुरुआत है, खिलौने हैं ये सब। खिलौना खेलने के लिए तमाम देवी देवता बना लिए गए हैं, तमाम प्रकार के कर्मकांड बना लिए गए, जो बिल्कुल समान बुद्धि के लोग हैं उनके लिए तो बढ़िया है। लेकिन भजन आत्मशोधन, आत्म परिष्कार, जितना जितना आत्मशोधन हम करते जाएंगे, आत्म परिष्कार करते चले जाएंगे, मन जितना परिष्कृत होता चला जाएगा उतना उतना दुख मिटता जाएगा। समझ लेना होगा, कि चिंता फिक्र भय तनाव दुख आदि से मन रहित है तो जीवन में भजन हो रहा है, सत्संग जीवन में उतर रहा है, ज्ञान जीवन में उतर रहा है। भौतिक चीजों की आवश्यकता है, पदे पदे आवश्यकता है, किंतु उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं, परिश्रम की आवश्यकता है। और परिश्रम करना है खूब डट करके करो। जो भी काम करते हो आप, कुछ भी, जिस काम में दूसरों का नुकसान ना होता हो, जो भी काम करते हो, अपने छोटे बड़े हर काम को पूजा समझ करके करो। और काम पूजा तब बनेगा जब भावनाएं शुद्ध होगी। भावना अशुद्ध है तो पूजा भी पूजा नहीं बनेगी, काम की तो बात ही अलग है। तो पहली बात जीवन जीने की कला, और वह यह है उम्र बढ़ने के साथ साथ, समझ बढ़ने के साथ साथ, अनुभव परिपक्व होने के साथ साथ दुख घटता जाए, स्वस्थता बढ़ती चली जाए। ललचाओ मत चीजों को देख देख करके। यदि छोटे बच्चे होते हैं, मिठाई देखे ललचा गए, चमकीले रंग बिरंगे तड़क भड़क वाले कपड़े देखे ललचा गए, किसी के कुछ खिलौने देखे ललचा गए, किसी गाड़ी देखे ललचा गए। छोटे बच्चे जो देखता रहता है ललचाता चला जाता है, कब तक बच्चे बने रहेंगे? आपके पास जो है, आपके पुरुषार्थ से और आपके भाग्य से, वैसे जिसे प्रारब्ध कहते हैं, उससे जो मिला है उसका आनंद लो, परिश्रम करते चलो, चीजें मिलेगी, ललचाना बंद करो।
ललचाने वाला आदमी दूसरे का मकान देखे ललचा गए, दूसरे गाड़ी देखे ललचा गए, कि दूसरे की जवानी सुंदरता देखे ललचा गए, दूसरे प्रतिष्ठा देखे ललचा गए, दूसरे का कुछ ऐश्वर्य देखे ललचा गए। क्या भक्ति हो रही है, क्या पूजा कर रहे हो, क्या भगवान को समझ पाए, क्या धर्म को समझ पाए? ये ललचाने वाला आदमी कभी भी भगत, पुजारी, सत्संग, साधु, महात्मा, ध्यानार्थी नहीं हो सकता। जो नहीं ललचाता है, बड़ी से बड़ी चीज को देखकर, कीमती से कीमती वस्तु को देखकर जो नहीं ललचाता, सोता ठीक है नहीं है, फिर भी जीवन तो चल ही रहा है। हर समय जिसके मन में संतोष है, अब बिना संतोष के सुख नहीं मिलेगा। संतोषी सदा सुखी ये कहावत नहीं है, हकीकत है। संतोष सुख है, रहू तो हृदय जुड़ा है, साहब कहते हैं संतोष संतोष में सुख है। संतुष्ट हो जाए तो तुम्हारा जलता हुआ हृदय शीतल शांत हो जाएगा। तो ललचाना बंद करो। ललचाने का मतलब होता है अपने आप को छोटा बना लेना। कोई हमें छोटा आदमी कह दे तो हमें पसंद नहीं है। कोई आदमी छोटा कहलाना नहीं चाहता, अपने को बड़ा बनाना चाहता है। कह दे भाई ये बड़ा आदमी है, हो या ना हो, सुन करके मन खुश हो जाता है। और कह दे ये आदमी उसे छोटा है, मन दुखी हो जाता है। अपने लिए छोटा शब्द सुन करके प्रायः मन दुखी होता है और ललचा ललचा करके अपने को हम छोटा बना रहे हैं, इसका दुख नहीं है मन में। जितना ललचाओगे, छोटे होते जाओगे, आपका स्तर गिरता चला जाएगा। और रोज गिरा रहे हैं अपने स्तर को। ये ललचाना मिटे, हर समय मन में संतोष, आनंद, प्रसन्नता समझ लो। जीवन जीने की कला आपके पास है। चीजें कम हो तो ज्यादा है, तो चीजों से आदमी बड़ा नहीं होता। चीजों, धन, जमीन, जायदाद, मठ मकान से आदमी बड़ा होता है। ये बिल्कुल स्थूल दृष्टि है, व्यवहारिक दृष्टि, बिल्कुल बाल बुद्धि है। आदमी बड़ा होता है सद्गुणों से, सदाचार से, आचरण से, चरित्र से, ज्ञान और त्याग और वैराग्य से। जिनकी हम पूजा करते हैं, जिन्हें हम महापुरुष कहते हैं, संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, भगवान कहते हैं, उनमें से एक भी धन के कारण से पूजनीय नहीं है। ये राजा के बेटे थे इसलिए हम पूजा नहीं करते। जिनका फोटो आप घर में लगाते हो, यदि घर में फोटो होगा आपका, किसी भी का किसी चित्र होगा, तो धनवान का तो नहीं होगा। अडानी अंबानी का फोटो नहीं लगाए होगे घर में कि ये हमारे आदर्श हैं। संतों का, राष्ट्रनायकों का, देशभक्तों का, किसी महापुरुष का या देवी देवता का चित्र लगाए होगे। धन के कारण से पूज रहे हो या उनके जीवन आचरण से, त्याग तप और चरित्र बल से पूज रहे हो उनको, तो वही बड़ा कर, उसी को बढ़ाओ, अपने आप बड़े हो जाओगे। ललचा ललचा कर छोटा क्यों बना रहे हो अपने आप को? तो पहली बात है जीवन जीने की कला, ललचाना बंद, अपने को बेचना बंद, छोटा बनाना बंद, हर हाल में प्रसन्न रहना। दूसरी बात, जो जानो सो जीव, साहब कहते हैं क्या उस जीव को भी जानते हो?
जो तुम्हारा अपना अस्तित्व है, हमारा शरीर दिखाई पड़ रहा है और शरीर को लेकर हम बराबर घूम रहे हैं, इसका तो एक दिन जन्म हुआ है और इसकी एक दिन मौत होगी, ना पहले था ना आगे होगा, बीच में मिल गया है, उसके बिछुड़ने पर शोक क्या। अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निर्ज्ञानि तत्र का परिदेवना। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अव्यक्तादिनी भूतानि, भूत प्राणी मनुष्य पदार्थ, इनका जो आदि है आरंभ है वो अव्यक्त है। जन्म के पहले हमारा शरीर इस रूप में कहाँ था, व्यक्त मध्यानि व्यक्त में बीच में ये दिखाई पड़ रहा है ऐसा कुछ वर्षों के लिए। अव्यक्त निर्ज्ञान्य शरीर की मौत हुई फिर अव्यक्त। यहां जितने भी लोग बैठे हैं 100 साल पहले शारीरिक और भौतिक रूप में किसी का कोई अस्तित्व नहीं था, और यहां जितने भी लोग बैठे हैं 80-90-100 साल के बाद किसी का अस्तित्व नहीं रहेगा शरीर के रूप में। हम अपने दादा बाबा पर पाजा खोदने जाएं, उनका शरीर कैसा रहा होगा देख लें, मिलेगा कहीं उनका अस्तित्व? तो हमारा शरीर 100 साल पहले नहीं था। 100 साल पहले क्या, बहुत शरीर तो 80-90 साल ही पहले नहीं था, कुछ और तो पश्चात नहीं रहेगा, किंतु क्या हम नहीं रहेंगे? जो मैं कहने वाला है, जो कहते नहीं मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये बात नहीं मान सकता, मैं ये बात मान करके रहूंगा, ये बात नहीं काम करके रहूंगा, ये मेरा निश्चय है, वो मैं कहने वाला कौन? ये शरीर नहीं है। एक दिन वो शरीर पड़ा रह जाता है और मैं तू कहने वाला चला जाता है यहां से, वो क्या है? वही आप है, वही हम हैं, उसको हम जीव चेतन आत्मा रूह सोल परमात्मा ईश्वर ब्रह्म कुछ भी नाम दे दें, नाम बदलने से वस्तु नहीं बदलती। नाम तो आदमी रखता है, नाम आदमी बदलता है, भाषा अलग होती है, नाम बदल जाता है। तो जो मैं कहने वाला है क्या उसे जानते हैं? जो कुछ कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। तो आप हैं कौन, मैं हूं कौन? भगवान की पूजा कर रहे हो, ईश्वर की पूजा कर रहे हो, तमाम देवी देवता मना रहे हो, भगवान ही कल्याण के लिए कि परमात्मा कल्याण के लिए या अपने कल्याण के लिए? अपने कल्याण के लिए आपको ईश्वर चाहिए तो आप कौन है पहले ये सोचो। तो शुरुआत किसी देवी देवता किसी भगवान भगवती ईश्वर परमात्मा की ओर से ना करो, शुरुआत अपनी ओर से करो कि मैं कौन हूं जो ईश्वर चाहता हूं, ईश्वर से मिलना चाहता हूं, मैं कौन हूं जो ईश्वर दर्शन करना चाहता हूं, मैं कौन हूं जो ईश्वर की भक्ति कर रहा हूं और किस लिए कर रहा हूं, तब बात समझ में आएगी। शुरुआत ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की ओर से करोगे कभी ये बात समझ में नहीं आएगी, भ्रम में जीते रह जाओगे। मैं कहने वाला, मैं तत्व, उसका विनाश नहीं होता,
इस शरीर के पहले भी था, आज है, आगे रहेगा। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मौत होती है, इसके मौत नहीं होती। न जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वत अयम न पुराने न हन्यते हन्य माने शरीर। ये गीता का श्लोक है। न इसका जन्म होता है, न इसकी मौत होती है, न कुछ होकर के ये होता है, ये अज है। अज का अर्थ होता है अजन्मा, अज का अर्थ बकरा भी होता है, लेकिन यहां अज का अर्थ है जिसका जन्म ना होता हो, अजन्मा। नित्य शाश्वत पुरातन सदा रहने वाला, न हन्यते हन्य माने शरीर, शरीर के मरने पर इसकी मौत नहीं होती। वो है कौन? वह आप है। और जब तक वह है तब तक इस शरीर की कीमत है। जिस शरीर का हमें बड़ा अहंकार, जिस शरीर की जवानी का, जिस शरीर के रूप सौंदर्य का बड़ा अहंकार, ये सब तभी तक जब तक इस शरीर में जीव है। जवान से जवान मृत शरीर से जीव निकल जाए, कोई कीमत ना होगी। जैसे शरीर से जीव निकला, सुंदरता गायब, बल ताकत जो कुछ भी सब गायब, सारे रिश्ते नाते भी तभी तक हैं जब तक इस शरीर के भीतर जीव निवास कर रहा है। जीव के निकल जाने पर माँ माँ नहीं रहती, पिता पिता नहीं रहता, पत्नी पत्नी नहीं रहती, पति पति नहीं रहता, बेटा बेटा नहीं रहता, गुरु गुरु नहीं रहता, भाई भाई नहीं रहता, फिर सब के सब मिट्टी हो जाते हैं। दुर्भाग्य यह है, सबका ज्ञान करने वाला स्वयं अपना ज्ञान नहीं कर पा रहा है, सबको जानने वाले वाला अपने को नहीं जान पा रहा है। यही आदमी के भटकाव का कारण है। धर्म अध्यात्म क्षेत्र में जितना भटकाव है, वह खुद को न जानने के कारण है। साहब कहते उसको जानो। एक प्रश्न होता है कि जीव अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, पहचान क्या है इसकी? किस आधार पर हम मान सकते माने इसको? कोई पहचान होगी, कोई आधार होगा ना, कोई प्रमाण तो देना पड़ेगा। पहले देखें, दुनिया में जितने भी तत्व हैं उन्हें हम दो भागों में विभाजित करते हैं। अपनी देहाती भाषा में हम उन्हें जड़ या चेतन कहते हैं, दार्शनिक भाषा में प्रकृति और पुरुष कहते हैं, विज्ञान की भाषा में मैटर और सोल कहते हैं। जड़ तो सामने है, ये मिट्टी पानी आग और जितनी चीजें दिखाई पड़ रही है सब जड़ ही है। जड़ का अर्थ होता है जो न अपने को जानता हो न दूसरे को जानता हो, जो किसी दूसरे चीज का प्रयोग नहीं कर सकता, जो ज्ञान गुण से रहित है, शून्य है, वो जड़ है, वो प्रकृति है। और चेतन वह है जो अपने को भी जानता है, दूसरे को भी जानता है और जड़ पदार्थों का उपयोग करता है। तो चेतन जड़ से अलग कैसे, जीव इस जड़ पदार्थों से अलग कैसे है, प्रमाण क्या है? सामान्य भाषा में
हम मिट्टी पानी आग हवा इन शब्दों का प्रयोग करते हैं जड़ तत्वों के लिए। चार तत्व माने गए हैं, आकाश को लेकर के पांचवा तत्व कह दिया जाता है। ये हमारी सामान्य भाषा है, बोलचाल की भाषा। वैज्ञानिक लोग 118 तत्वों की खोज कर लिए हैं, उनकी परिभाषा अलग है, उनका अध्ययन क्षेत्र अलग है, लेकिन चाहे मिट्टी पानी आग हवा कहें, चाहे वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित 118 तत्व में से किसी भी तत्व का नाम ले लें या सभी का नाम ले लें, किसी भी मूल भौतिक पदार्थ में चेतना गुण नहीं है, ज्ञान गुण नहीं है। ये वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। तो जब मूल पदार्थ में जो मूल भौतिक तत्व है, जो कारण है, उसमें जब चेतना गुण नहीं है, ज्ञान गुण है नहीं है, तो उनसे बनने वाले जो कार्य पदार्थ हैं उसमें चेतना गुण कहाँ से आ जाएगा? कारण में जो गुण धर्म होगा वही गुण धर्म कारण कार्य में उपस्थित हो सकता है, थोड़ा सा रूप बदल सकता है, घट सकता है, रूप उसका बदल सकता है। कारण गुण पूर्वक कार्य गुणों दृष्ट, वैशेषिक दर्शन में महर्षि कनाद कहते हैं, कारण के गुण पूर्वक ही कार्य में गुण देखे जाते हैं। और कारण क्या है? उपादान कारण, ये जड़ पदार्थ, चाहे वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित 118 तत्व हो या मिट्टी पानी आग हवा हो। तो मूल पदार्थ में जब चेतना गुण नहीं है तो उनसे बनने वाले कार्य पदार्थों में चेतना गुण कहाँ से आ जाएगा? और चेतना एक गुण है प्रत्यक्ष, ज्ञान गुण है, ये कहाँ से आया, कैसे आया? जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं ये आया कहाँ से? भौतिकवाद लोग कल्पना करते हैं एक प्रोटोप्लाज्म है, वो हम उसको देख नहीं सकते, हमारे अनुभव में नहीं आएगा, उसी में ज्ञान गुण है, वो कहाँ पैदा हो गया? तब कहते हैं कहीं आकाश उत्पन्न होता, आकाश से बड़े बड़े ग्रह धरती तक आते आते तो भाप बन करके उड़ जाते हैं पिघल करके, तो प्रोटोप्लाज्म जैसा नाजुक इतना कोमल पदार्थ यहाँ तक कैसे आ गया? फिर इसका मतलब यह है कोई एक ऐसा तत्व है जिसमें ज्ञान गुण है, चेतना गुण है, उसी को धर्म अध्यात्म क्षेत्र में जीव चेतन या आत्मा कहा जाता है, रूसोल आदि कहा जाता है। और चूंकि वो मूल मैटर है इसलिए वो अजन्मा होगा। वह सारे वैज्ञानिक एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि दुनिया में, खाली दुनिया मतलब पृथ्वी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड जो कुछ है, समय जितने भी पदार्थ हैं उनमें से एक भी कण का विनाश नहीं होगा और एक नए कण का निर्माण नहीं होगा, केवल रूपांतरण होगा बस। रूपांतरण में आकार बदलेगा, बाहरी थोड़ा बहुत गुणधर्म बदल, लेकिन मूल में अंतर तो नहीं होगा ना। तो ज्ञान गुण आया क्या? उसी को हम जीव या चेतन कहते, इसलिए वो अजन्मा है, बना नहीं किसी से, और बाहर नहीं है, वो हम और आप है, जितने बैठे हुए हैं सबके भीतर अलग अलग जीव बैठा हुआ है। सदगुरु कबीर कहते हैं क्या उसको जानते हो?
तुम सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, मोक्ष परमात्मा चाहते हो, तो तुम कौन हो? सुख की आवश्यकता किसको है? शांति या मोक्ष की आवश्यकता किसको है? परमात्मा की आवश्यकता किसको है? कोई तो होगा ना, शून्य को तो नहीं होगा। तो वो कौन है, उसी की खोज करो। अध्यात्म उसी की खोज है। विज्ञान बाहर की खोज करता है, धर्म भीतर की खोज करता है। खोजता दोनों है, दिशा अलग अलग है। और समय से पर चर्चा होगी। जो जानो हो सो जी, साहब कहते हैं उस जीव को जानो जो तुम्हारा अस्तित्व है, तुम्हारा होना है, तुम्हारा एग्जिस्टेंस है। वह वही नहीं है तो फिर किसके लिए ध्यान साधना आदि का काम कर रहे हो? उसको जान लेंगे तो भटकाव बंद हो जाएगा। तीसरी बात साहब कहते हैं, पानी पचावा हो आपना, जितना पानी पी चुके हो उसको पचा डालो। और चौथी बात है, पानी मांगी न पी, फिर से पानी मांग करके मत पियो। तो ये जो पानी हम रोज पीते हैं, जिसे नहाते हैं, धोते हैं, कपड़ा आदि साफ करते हैं, उस पानी की बात नहीं है। लक्षणा में साहब कहते हैं, अन्योक्ति कथन है यहां पर, कहा कुछ जाए लेकिन अर्थ कुछ और हो। पानी यहां तात्पर्य है संस्कार वासना, गलत देख सुन करके, गलत खा पी करके, गलत व्यवहार करके, गलत काम करके, जो मन में कुछ संस्कार बना डाले हो, और जो कुछ संस्कार तुम्हें रात दिन पीड़ित कर रहे हैं, उनको सेवा भक्ति संयम साधना ध्यान चिंतन द्वारा मिटाओ। हम कुछ भी काम करते हैं ना, देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, छूते हैं, आते जाते हैं, सोचते विचारते हैं, चाहे वो सही ढंग से हो या गलत ढंग से हो, उनकी एक छाप बनती है। और छाप जाकर के हमारे अनकॉन्शियस माइंड में एकत्र होती रहती है। कॉन्शियस माइंड हमारा काम करता रहता है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड काम नहीं करता होता है। साथ जो कुछ भी हम करते हैं, वहां जाकर सब चित्रित होते रह जाते हैं। कभी कभी हम कहते हैं ना कि आज ऐसा सपना देखा जिसे मैंने सोचा भी नहीं है। सोचा है आपने कभी? देखा है वो घटना? उस घटने से प्रति से गुजर चुके हैं, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में जाकर के वो दबा पड़ा था, सपना में उभर करके आ गया किसी कारण पा करके। पानी पचा हुआ अपना, साहब कहते हैं जितना पानी पी चुके हो, जो कुछ संस्कार बना चुके, गलत छाप बना चुके हो मन में, उनको मिटाने का काम करो। क्योंकि संस्कार ही हमारे लिए, हमारे सुख दुख के कारण बनते हैं। जो हम काम करते हैं ना, वो काम तो खत्म हो जाता है। जैसे दो उदाहरण ले लें बिल्कुल बात समझने के लिए। किसी के घर घुसकर मैंने कोई चीज चुरा ली, कुछ भी हो, तो चौरत्व का जो कर्म है कुछ मिनट का हुआ है, एक दो चार मिनट का चौरत्व कर्म खत्म, वो चीज मुझे मिल गई। लेकिन उस चौरत्व कर्म का संस्कार जो पड़ा, उसकी जो छाप पड़ी, वो छाप तो नहीं मिटी। जब जब उस व्यक्ति के
कि घर से गुजरूंगा, या जब जब वो व्यक्ति मुझे मिलेगा तुरंत भय होगा कहीं जान तो नहीं लिया होगा। वो कहाँ थी छाप? कर्म तो मिट गया, अब तो आपको निश्चिंत, हमें निश्चिंत होना चाहिए ना, भय रहित होना चाहिए था। लेकिन जब जब वो व्यक्ति मिलता है या कुछ पूछता है तुरंत हमारा मन भयभीत होता है। वो जो छाप पड़ी है अंदर चौरत्व कर्म की, वही पीड़ित कर रहा, वही भयभीत कर रहा हमको। किसी व्यक्ति को हमने कुछ चीज दे दी, किसी दिन दुखी लाचार की हमने सेवा की, सेवा करने में हमारा समय लगा, शक्ति लगी, पैसा लगा, हमारे काम पर नुकसान हुआ, किंतु उस सेवक जब जब याद आएगी तब तब मन प्रसन्न हो जाएगा कि मन चलो भले मेरा मुझे थोड़ा पैसा लगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ा, लेकिन अच्छा काम किया, किसी की भलाई तो हुई, एक अच्छी छाप पड़ी। तो हम चाहे गलत कर्म करें चाहे सही कर्म करें, उसकी छाप पड़ती है अंदर, और वही छाप कालांतर में हमारे लिए सुख दुख का कारण बनती है। इसी छाप को साहब यहां पानी शब्द से व्यक्त करते हैं। जीवन पर्यंत कर्म करना पड़ेगा, खाली बैठा नहीं जा सकता। शरीर से कर्म नहीं करोगे तो वाणी से कर्म करोगे, बाहर से वाणी मौन भी है तो मन से सोचोगे। मैंने कहा कि ललचाते हो, ये ललचाना भी तो कर्म है ना, बैठे हो किसी की बुराई की बात सोच रहे हो, कर्म कर रहे हो, बुरा काम नहीं कर पा रहे हो लेकिन बुरी बात सोच रहे हो, तो भी तो कर्म हुआ, इसकी भी छाप बनेगी। किसी की सेवा नहीं कर पाते, कुछ मजबूरी होती है, सेवा नहीं कर पाए, किसी को कुछ दे नहीं पाए, कुछ भलाई का काम नहीं कर पाए, लेकिन बैठे बैठे किसी की भलाई की बात सोचो, किसी के सद्गुणों की याद करो, किसी की उन्नति देख करके खुद होना शुरू करो, कर्म बन रहा है, अच्छी कर्म बन रहा है, अच्छी छाप पड़ रही है। तो शरीर से, वाणी से और मन से हम जो कुछ भी करते हैं उन सब की छाप बनती है। तो अब तक जितना हम जीवन जिए हैं उनकी छाप तो बन चुकी है, करना क्या है? यदि छाप गलत है उसे मिटाना है। और आगे इतनी सावधानी से जीवन जीना है कि कोई गलत छाप ना बनने पाए, गलत संस्कार ना बनने पाए। कर्म करना ही है, और अच्छे भी कर्म कर रहे हो, यदि किसी की सेवा कर रहे हो, दिन दुखी लाचार को कुछ दे रहे हो, या कुछ भी अच्छे कर्म करो, जैसे सेवा धर्म परोपकार का काम कहा जाता है, भूखे को भोजन खिला रहे हो, निर्वस्त्र को कपड़े दे रहे हो, रोगी के लिए दवाई करवा रहे हो, निर्धन को धन दे रहे हो, कुछ भी अच्छे काम कर रहे हो, अच्छी बात, जितना संभव उतना करो, किंतु निष्काम भाव से करना है, सिर्फ कर्तव्य समझकर। मेरे पास धन है, ये आदमी निर्धन है, इसकी थोड़ी सहायता कर दूं ताकि इसका भला हो, बस इस भाव से। मैं स्वस्थ हूं, ये आदमी अस्वस्थ बीमार है, एक मनुष्य होने के नाते मेरा कर्तव्य होता है इस अस्वस्थ बीमार आदमी की सेवा करना, बस
कर्तव्य सेवा समझ करके काम कर दो, और करने के बाद भूल जाओ, बहुत आराम से जीवन जियोगे, हमेशा प्रसन्नता बनी रहेगी। और वही कर्म करते हो, कई बार लोग शिकायत करते हैं, साहब हमने इतनी इतनी सेवा की, गरीबों को अभावग्रस्तों को हमने भोजन दिया, कपड़ा दिया, पैसा दिया, अनेक रोगियों की हमने सेवा की, दवाई आदि आदि किया, और अनेक प्रकार से लोगों को हमने भलाई का काम किया, फिर भी हमारे जीवन में दुख है, फिर भी हमारे जीवन में परेशानी है, रोग है, व्याधि है, ये क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में रोग व्याधि आ जाए, दुख आ जाए, संकट आ जाए। आपने बुलाया है उनको, आप कह सकते हो साहब ऐसा कैसे हो सकता है, हम रोग व्याधि को, संकट को, विपत्ति को बुलाएंगे कैसे? नहीं, आपने बुलाया, कैसे बुलाया? जैसे कोई गरीब व्यक्ति, कोई बीमार व्यक्ति है आप, चाहे आपके परिवार में, आपके घर में, या कोई दूसरा कोई बीमार व्यक्ति है, उस बीमार की आप सेवा कर रहे हो, क्यों सेवा कर रहे हो? भावना क्या सेवा करते समय? चलो ये व्यक्ति बीमार है, इसकी मैं सेवा कर दूं ताकि समय से ये मेरी सेवा करे, जहां ये भाव मन में आया आपका, ये बीमार इसकी मैं सेवा कर रहा हूं, समय से मेरी सेवा करिए, अनकॉन्शियस माइंड से आपने बीमारी को निमंत्रण भेज दिया। क्यों? आपको सेवा की आवश्यकता कब पड़ेगी? जब आप खुद बीमार पड़ रहोगे। वो व्यक्ति बीमार इसलिए आप सेवा कर रहे हो ना, और आप चाहते क्या हो? इसकी सेवा मैं करूं ताकि समय से ये मेरी सेवा करता, समय से मैं भी बीमार पड़ूं। आपने बीमारी निमंत्रण भेज दिया, वो पाएगी, निमंत्रण पाएगी बीमारी, वो तो आएगी आपके जीवन में, आने कभी आएगी। बड़ी सरल सी बात है, लेकिन बात समझ में नहीं आती। आपने बुलाया है उस रोग व्याधि को, उस संकट को, पता नहीं चल पाया। सिर्फ इंसानियत का तकाजा समझ करके काम करो। मैं स्वस्थ हूं, संपन्न हूं, हर प्रकार से योग्य हूं, इसलिए मेरा धर्म कहता है इसकी सेवा करना। कोई चाहना नहीं, कोई कामना नहीं, और करने के बाद भूल जाओ, चर्चा भी मत करो, इसकी इसकी मैंने सेवा की, किसके लिए गया? मैं सेवा करूं और लोग मेरी प्रशंसा करें, मुझे अच्छा आदमी कहे, यदि ये भाव ही आया तो तकलीफ सहन करोगे। बात है, पानी मांगी न पी, फिर से पानी मांग करके ना पीना, इतनी सावधानी से जीवन जीना, गलत संस्कार तो बने ही ना, कुछ संस्कार ना बने, अच्छे संस्कारों से भी बचो, यदि पूर्ण शांति जीना, तो जैसे कहते हैं ना, कल्याण या मोक्ष या परमात्मा पाना, उसके लिए यही रास्ता है, निष्काम निर्लोभ होकर के काम करना, और सुख से जीना है तो भी कामना रख करके करो, लेकिन फिर भी गलत कामना नहीं, सुख पाने के लिए, बीमार होने के लिए कामना नहीं करना है। ऐसा हो जीवन, ऐसा जिए कि यहां से विदा होते वक्त कोई पश्चाताप मन में ना हो, और मन में संस्कारों का कोई बोझ हो, निर्भाव। जैसे हम कहते हैं ना, वो व्यक्ति मुक्त हो गया। क्यों मुक्त हुआ? निर्भार। किसका भार? कर्मों का भार, संस्कारों का भार, निर्भार हो जाना, ये जीवन जीने की सार्थकता है। इतना नहीं कर पाते तो कम से कम अच्छी कर्म करके सुसंस्कार बना लो, आगे सुख मिल जाए। तो चार बातें इस साखी में सद्गुरु कबीर बताते हैं हमको,
जो जानो हो जग जीवना, जो जानो हो सो जीव, पानी पचावो हो अपना, पानी मांगी न पियो। दुनिया में जीने की कला है इस ढंग से जीना कि उम्र और अनुभव बढ़ने के साथ साथ सुख बढ़ते चले जाए, शांति स्वस्थता बढ़ती चली जाए और अपने आप का ज्ञान, निर्भ्रांत ज्ञान अपने आप का हो जाए ताकि भटकना ना पड़े। जितने गलत कर्म हो चुके हैं, जिनकी छाप पड़ चुकी है, जिनके संस्कार बन चुके हैं, उनको मिटाने का काम करें और सावधानीपूर्वक जीवन जिए ताकि सदा से यहाँ से जाते वक्त जिसके लिए मिला, जो कहते हैं परमानंद परम शांति परम मोक्ष की प्राप्त, वह काम करके विदा हो जाए, सेवा भी बनेगी दुनिया की और कल्याण का काम भी होगा। गुरुजनों ने मनुष्य जीवन की प्राप्ति के दो ही फल बताए हैं, अतोनो मोक्षा जगत धितायस्य, अपने आप का कल्याण और संसार की सेवा। तो जितना बन सके हम सेवा करें, सेवा से हमारा चित्त शुद्ध होगा और सेवा से जब चित्त शुद्ध होगा तब मन कंसंट्रेट भी होगा और ध्यान की साधना भी बढ़िया बनेगी। अशुद्ध चित्त, अशुद्ध मन, मलिन मन कभी एकाग्र नहीं होगा और ध्यान साधना का काम नहीं होगा। इसलिए अधिक से अधिक सेवा, वो सेवा भी पाने की कामना छोड़ करके करें, निष्काम अनासक्त होकर के सेवा भी बनेगी, कल्याण का काम भी होगा। इस साखी में सद्गुरु कबीर का हम लोगों के लिए संदेश है, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनुपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनुपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनुपम,